तो तुम तो सतो प्रधान लवली बनते हो। सो यू बिकम सतो प्रधान लवली। तुम सबसे जास्ती सतो प्रधान भी बनते हो, लवली भी बनते हो। यू बिकम द मोस्ट सतो प्रधान एज वेल एज लवली। तो फिर अंत में सबसे जास्ती तमो प्रधान भी बनते हो। एंड देन इन द एंड यू बिकम द मोस्ट तमो प्रधान एज वेल। क्यों? Why? है? कारण क्या? स्टूडेंट सेड समथिंग, व्हाट इज द रीजन? तमो प्रधान कैसे बनते हैं? हाउ डू यू बिकम तमो प्रधान? और सतो प्रधान कैसे बनते हैं? एंड हाउ डू यू बिकम सतो प्रधान? हाँ, एक बाप को याद करते हो तो सतो प्रधान बनते हो। स्टूडेंट सेड समथिंग, यस, व्हेन यू रिमेम्बर द वन फादर यू बिकम सतो प्रधान। एक बाप का संग करते हो तो सतो प्रधान बनते हो। व्हेन यू रिमेन इन द कंपनी ऑफ द वन फादर यू बिकम सतो प्रधान। और द्वापर युग से? एंड व्हाट हैपेंस फ्रॉम द कॉपर एज? अनेकों का संग करते हो और अनेकों को फॉलो करते हो। यू कम इन द कलर ऑफ द कंपनी ऑफ मेनी एंड यू फॉलो मेनी पीपल। जो इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट वगैरह आए, इब्राहिम, बुद्धा, क्राइस्ट एंड सो ऑन हु केम, उन्होंने हिंसा सिखाई, डिड दे टीच टू प्रैक्टिस वायलेंस, या अहिंसा सिखाई, और डिड दे टीच टू प्रैक्टिस नॉन वायलेंस? है, उन्होंने हिंसा करना सिखाया और हमने उनको फॉलो करना शुरू कर दिया। दे टॉट टू प्रैक्टिस वायलेंस एंड वी स्टार्टेड टू फॉलो देम। द्वापर युग से हमने भी मारामारी की या नहीं की? फ्रॉम द कॉपर एज डिड वी टू इंडल्ज इन फाइटिंग एंड किलिंग और नॉट? है की ना? वी डिड, डिडंट वी? और सबसे जास्ती मारामारी हमने की या और धर्म वालों ने की? एंड डिड वी इंडल्ज इन फाइटिंग एंड किलिंग द मोस्ट और डिड द वंस बिलोंगिंग टू द अदर रिलीजन्स इंडल्ज इन फाइटिंग एंड किलिंग? है, जब मारामारी और युद्ध की बात आती थी, व्हेनेवर द टॉपिक ऑफ फाइटिंग एंड किलिंग अरोज, तो सबसे आगे सूर्यवंशी गए होंगे। विल द सूर्यवंशीज, मीनिंग दोज बिलोंगिंग टू द सन डायनेस्टी, हैव गॉन अहेड द मोस्ट, या और वंश वाले गए होंगे? और विल दोज बिलोंगिंग टू द अदर डायनेस्टीज हैव गॉन अहेड? है, सबसे आगे सूर्यवंशी गए, कारण? द सूर्यवंशीज वेंट अहेड द मोस्ट, व्हाट इज द रीजन? जो बड़े आदमी का बच्चा होता है, बड़े राजा का बच्चा होता है, वो ज्यादा संघ के रंग में आकर के बिगड़ता है। इज द चाइल्ड बॉर्न टू अ बिग पर्सनालिटी, द चाइल्ड बॉर्न टू अ बिग किंग स्पॉइल्ड मोर बाय कमिंग इन द कलर ऑफ द कंपनी, या छोटे छोटे परिवार के बच्चे ज्यादा बिगड़ते हैं? और आर द चिल्ड्रन बॉर्न इन स्मॉल फैमिली स्पॉइल्ड मोर? है, जो बड़े आदमी का बच्चा होता है, जितना बड़े आदमी का बच्चा होगा उतना ही संग के रंग में आकर के जास्ती बिगड़ता है। द चाइल्ड बॉर्न टू अ बिग पर्सनालिटी, द बिगर द पर्सनालिटी इज टू हुम द चाइल्ड बिलोंग्स, द मोर ही इज स्पॉइल्ड बाय कमिंग इन द कलर ऑफ द कंपनी ऑफ अदर पीपल। तो तुम तमो प्रधान भी सबसे जास्ती बनते हो। सो यू बिकम द मोस्ट तमो प्रधान टू। तुम ही बुलाते हो। यू योरसेल्फ कॉल गॉड। जब तमो प्रधान बनते हो तो और नहीं बुलाते हैं। When you become तमो प्रधान, the others don't call God. कौन बुलाते हैं? Who call him? तुम ही बुलाते हो। It is you who call him. भक्ति मार्ग के अंत में ही तुम ही सबसे ज्यादा गुहार लगाते हो, पतित पावन सीताराम। In the end of the path of devotion, that is भक्ति मार्ग, it is you who call out the most, Sita Ram, the purifier of the sinful ones. जो मुझे पतित पावन सीता राम कह करके बुलाते हैं, वो ही सबसे जास्ती पतित से पावन बनते। Only the ones
who call me Sita Ram, the purifier of the sinful ones, become the purest from sinful. जो बुलाते नहीं, those who do not call me, जो पतित पावन सीता राम कह करके बुलाते नहीं, वो उतने पावन बनते भी नहीं. Those who don't call me Sita Ram, the purifier of the sinful ones, do not become pure to that extent either. तो देखो, so look, बाप टीचर बन करके आया हुआ है तुमको पढ़ाई पढ़ाने के लिए. The father has come as the teacher to teach you the knowledge. तो उनकी श्रीमत पर चलना चाहिए ना. So you should follow the श्रीमत of that one, shouldn't you? कौन बोला? Who said this? शिव बाप बोला. किसके तने में बोला? The father Shiv said this. Through whose body did he say this? ब्रह्मा के तने में बोला. Everyone said through the body of Brahma. He said this through Brahma's body. फिर ब्रह्मा के तने में बोलता है तो उनकी श्रीमत पर चलना चाहिए, ऐसे क्यों कहता है? So if he said this through Brahma's body, why did he say you should follow the श्रीमत of that one? मेरी श्रीमत पर चलना चाहिए, ऐसे बोलना चाहिए. He should have said you should follow my श्रीमत. है? हाँ, इससे साबित हुआ कि ब्रह्मा टीचर नहीं है. Someone said something. Yes, this proves that Brahma is not the teacher. सारी सृष्टि का टीचर? The teacher of the entire world. सारी सृष्टि का बाप? The father of the entire world. सारी सृष्टि का सदगुरु, सदगति करने वाला ब्रह्मा नहीं है, कौन है? The sadguru of the entire world who brings the true liberation isn't Brahma. Who is he? जो भविष्य में आने वाला पार्ट है उसकी तरफ इशारा किया. He gave a hint towards the role that is going to be played in the near future. कि उनकी श्रीमत पर चलना चाहिए ना. By saying you should follow the श्रीमत of that one, shouldn't you? माना? What does it mean? बोलने वाला जो ब्रह्मा के तन में बोल रहा है वो ये नहीं कह सकता मेरी श्रीमत पर चलना चाहिए. The speaker, the one who is speaking through Brahma's body, can't he say you should follow my श्रीमत? है? कह सकता है? Can he say this? कह सकता था, लेकिन कह नहीं. कह सकता था. Someone said he could have said it, but he didn't. He could have said this. और चलते? Then would you have followed it? Someone said something. क्यों? Why? अगर कह सकता था तो आप चलते क्यों नहीं? If he could have said this, why wouldn't you have followed it? इसलिए नहीं चलते कि ब्रह्मा के तन से जो कुछ भी बोला वो बच्चे समझ नहीं सकते हैं. You wouldn't have followed because whatever was said through the body of Brahma, the children cannot understand it. उस ब्रह्मा के मुख से निकले हुए ब्रह्म वाक्यों को, वेद वाक्यों को बच्चों की बुद्धि में आना बहुत मुश्किल है. It is very difficult for the children to understand through the intellect the Brahma Vakya, meaning sentences of Brahma, or the Ved Vakya, meaning sentences of the Ved narrated through the mouth of Brahma. Bhakti Marg में भी यादगार है. There is a memorial of this in the path of Bhakti too. लोग रामायण पढ़ेंगे. People will read the Ramayan. पढ़ते हैं ना? They read it, don't they? समझ में आती है? They do understand it. नहीं आती है? Or is it that they don't understand it? आती है, चाहे वाल्मीकि रामायण संस्कृत वाली हो. They understand it. Whether it is the Valmiki Ramayan written in Sanskrit, चाहे हिंदी रामायण हो, समझ में तो आई. Or the Ramayan in Hindi, they did understand them. भागवत पढ़ी वो भी समझ में आई, गीता पढ़ी वो भी समझ में आई. They read the Bhagavat and understood it, as well as they read the Gita and understood it. क्या वेद कोई पढ़ता है?
डज एनीवन रीड द वेदास? है महाभारत पढ़ेंगे, महाभारत कथा करेंगे, वो भी समझ में आती है। व्हेन दे रीड द एपिक महाभारत और रिसाइट द स्टोरीज ऑफ द महाभारत दे अंडरस्टैंड दैट एज वेल। लेकिन वेद कोई पढ़ता है? बट डज एनीवन रीड द वेदास? पढ़ता है। डज एनीवन? है कोई नहीं पढ़ता। क्यों? नो वन रीड्स देम। व्हाई? क्योंकि वेद भाषा जो ब्रह्मा के मुख से वेद निकले वो वेद भाषा कोई की समझ में, वैदिक भाषा समझ में ही नहीं आती। इट इज बिकॉज नो वन इज एबल टू अंडरस्टैंड द वैदिक लैंग्वेज ऑफ द वेदास नरेटेड थ्रू ब्रह्मास माउथ एट ऑल। इसलिए बोला, दिस इज द रीजन इट वॉज सेड कि उनकी श्रीमत पर चलना चाहिए। यू शुड फॉलो द श्रीमत ऑफ दैट वन। मैंने जो ब्रह्मा के मुख से बोला उसको तो तुम समझ ही नहीं सकते, चलोगे कहाँ से? वॉट एवर आई सेड थ्रू द माउथ ऑफ ब्रह्मा यू जस्ट कांट अंडरस्टैंड दैट, देन हाउ विल यू फॉलो इट? इसलिए बोला, फॉर दिस रीजन इट वॉज सेड कि टीचर है तो उनकी श्रीमत पर चलना चाहिए ना। इफ ही इज द टीचर यू शुड फॉलो द श्रीमत ऑफ दैट वन, शुडंट यू? श्रीमत पर चलने में गफलत नहीं करनी चाहिए। यू शुड नॉट बी नेग्लिजेंट इन फॉलोइंग श्रीमत। अनिश्चय बुद्धि होते हैं तो गफलत करते हैं या नहीं करते हैं? When they have a doubting intellect, do they neglect the श्रीमत or not? है? करते हैं। Someone said, they do. कई बच्चे आपस में ही मतभेद में आकर के पढ़ाई को भी छोड़ देते हैं। Many children have a difference of opinion among themselves and even leave the studies. क्या? What? पढ़ाई बाप पढ़ाते हैं। It is the father who teaches the knowledge. पढ़ाई टीचर की है, सुप्रीम टीचर की। This is the knowledge of the teacher, the supreme teacher. तो छोड़नी चाहिए या नहीं छोड़नी चाहिए? So, should they leave it or not? नहीं छोड़नी चाहिए। Students, they shouldn't. लेकिन क्यों छोड़ देते हैं? टीचर ने तो कुछ नहीं कहा। Still, why do they leave it? The teacher certainly didn't say anything. है? हाँ, आपस में जो मतभेद में आते हैं, तो मतभेद में आकर के पढ़ाई छोड़ देते हैं। Someone said, they have a difference of opinions among themselves. Yes. They have a difference of opinions among themselves, so they leave the studies because of the difference of opinions. अभी बाप कहते हैं? Now the father says, कि तुम मेरी पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे? If you don't study what I teach, कि मैं कहता हूँ कि रोज क्लास करो? I tell you to attend the class every day. मेरी श्रीमत पर नहीं चलेंगे? If you do not follow my श्रीमत, पढ़ेंगे नहीं। If you don't study, तो फिर नापास भी तुम ही होंगे या मैं नापास हो जाऊंगा? Then is it you who will fail or will I fail? है? कौन नापास होगा? Who will fail? तुम ही नापास हो जाएंगे। Certainly you will fail. ये नापास होना, to fail, श्रीमत की अवहेलना करना, to disobey the श्रीमत, आपस में बार बार मतभेद में आना, टू हैव अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस अमंग योरसेल्फ्स फ्रीक्वेंटली, पढ़ाई छोड़ देना, टू लीव द स्टडीज, इससे रिजल्ट होगा कि तुम नापास हो जावेंगे। द रिजल्ट ऑफ ऑल दीज एक्शंस इज दैट यू विल फेल। तो तुम सूर्यवंशी बच्चे नहीं बनेंगे। सो यू विल नॉट बिकम सूर्यवंशी चिल्ड्रन। कौन से वंश के चले जावेंगे? To which dynasty will you go? चंद्रवंशी बन जावेंगे, ना पास होंगे तो? If you do not pass, you will become Chandravanshi, meaning those belonging to the Moon dynasty. ना पास होते हैं वो कौन से वंश के बन जाते हैं? Those who fail become the ones belonging to which dynasty? है? चंद्रवंशी बन जाते हैं? They become Chandravanshi. और उससे नीचे नीचे वंश कौन कौन से हैं?
एंड विच आर द डायनेस्टीज लोअर देन दैट? इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन आदि। इस्लाम, बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी एंड सो ऑन। वो नापास होंगे या नहीं होंगे? विल दे फेल और नॉट? अरे जब चंद्रवंशी ही नापास हो गए। अरे व्हेन द चंद्रवंशी देमसेल्व्स फेल्ड। तो और दूसरे वंश वाले तो जरूर नापास होते होंगे। इट इज सर्टन दैट दोस बिलोंगिंग टू द अदर डायनेस्टीज विल फेल। ये देह अभिमान होता है। दिस इज बॉडी कॉन्शियसनेस। क्या? वॉट है नापास होना माने? देह अभिमान भरा हुआ है। टू फेल मीन्स दे आर फुल ऑफ बॉडी कॉन्शियसनेस। और देह अभिमानी बाप के तुम बच्चे हो। एंड आर यू द चिल्ड्रन ऑफ द बॉडी कॉन्शियस फादर? यस 100% आत्माभिमानी बाप के तुम बच्चे हो। और आर यू द चिल्ड्रन ऑफ द फादर हु इज 100% सोल कॉन्शियस? किसके बच्चे हो? हुज चिल्ड्रन आर यू? स्टूडेंट ऑफ द सोल कॉन्शियस फादर। 100% आत्माभिमानी कौन आत्मा है? विच सोल इज 100% सोल कॉन्शियस? है स्टूडेंट प्रजापिता? नहीं। नो जो सूर्यवंशी प्रजापिता है वो सदैव आत्माभिमानी रहता है। इज द सूर्यवंशी प्रजापिता ऑलवेज सोल कॉन्शियस? नहीं। नो तो तुम किसके बच्चे हो? सो हूज चिल्ड्रन आर यू? अभी प्रजापिता के बच्चे हो या आत्मा आत्मा भाई भाई परम पिता परमात्मा शिव के बच्चे हो? आर यू द चिल्ड्रन ऑफ प्रजापिता एट प्रेजेंट और आर यू द सोल्स हु आर ब्रदर्स अमंग योरसेल्व्स द चिल्ड्रन ऑफ द सुप्रीम फादर सुप्रीम सोल शिव? है हम शिव के बच्चे हैं। वी आर द चिल्ड्रन ऑफ शिव। अगर हम शिव के बच्चे हैं तो देहवान होना चाहिए हमारे अंदर या नहीं होना चाहिए? है इफ वी आर द चिल्ड्रन ऑफ शिव शुड देयर बी बॉडी कॉन्शियसनेस इन अस और नॉट? स्टूडेंट्स देयर शुडंट। शिव के बच्चे हैं तो देह अभिमान का नाम निशान नहीं रहना चाहिए। इफ वी आर द चिल्ड्रन ऑफ शिव देयर शुडंट बी एनी ट्रेस ऑफ बॉडी कॉन्शियसनेस इन अस। अगर देह अभिमान रह गया तो 84 जन्म नहीं मिलेंगे। इफ बॉडी कॉन्शियसनेस रिमेन्स इन अस वी विल नॉट हैव द 84 बर्थ्स। जो इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होते हैं वो कितने जन्म लेंगे? हाउ मेनी बर्थ्स विल दोज हु कन्वर्ट टू द इस्लाम हैव? है अरे अरे 83 जन्म लेंगे। दे विल हैव 83 बर्थ्स। बौद्ध धर्म में कन्वर्ट होंगे तो है 82 जन्म लेंगे। इफ दे कन्वर्ट टू द बुद्धिस्ट रिलीजन दे विल हैव 82 बर्थ्स। अगर चंद्रवंश में कन्वर्ट होंगे तो इफ दे कन्वर्ट टू द चंद्रवंश है 84 जन्म तो लेंगे लेकिन बाप से बादशाही डायरेक्ट नहीं लेंगे। दे विल सर्टनली हैव 84 बर्थ्स बट दे विल नॉट रिसीव द एम्परशिप डायरेक्टली फ्रॉम द फादर। मान लो कृष्ण वाली आत्मा है। फॉर एग्जाम्पल द सोल ऑफ कृष्ण ज्ञान चंद्रमा का पार्ट बजाने वाली है। इट प्लेस द रोल ऑफ द मून ऑफ नॉलेज। चंद्रमा से चंद्रवंशी पैदा होते हैं। द चंद्रवंशी आर बोर्न टू द मून ऑफ नॉलेज। तो वो आत्मा शिव बाप से डायरेक्ट बादशाही लेती है। सो डज दैट सोल ऑफ कृष्ण रिसीव द एम्परशिप डायरेक्टली फ्रॉम द फादर शिव? विश्व की बादशाही लेती है। डज इट रिसीव द एम्परशिप ऑफ द वर्ल्ड? या सतयुग की बादशाही लेती है। और डज इट रिसीव द किंगशिप ऑफ द गोल्डन एज? है सतयुग की बादशाही लिमिटेड मिलेगी। स्टूडेंट्स द किंगशिप ऑफ द गोल्डन एज इट विल रिसीव द लिमिटेड किंगशिप ऑफ द गोल्डन एज। लेकिन विश्व के ऊपर 500-700 करोड़ के ऊपर 500 करोड़ जो आत्माएं हैं उन सब के दिलों के ऊपर राजाई नहीं करेगी। बट इट वोंट रूल द वर्ल्ड द 5-7 बिलियन सोल्स। इट वोंट रूल द हार्ट्स ऑफ एवरीवन अमंग द 5 बिलियन सोल्स।
ये देह अभिमान होता है। दिस इज बॉडी कॉन्शियसनेस। क्या? वॉट? ये देह अभिमान क्या साबित करता है? वॉट डज दिस बॉडी कॉन्शियसनेस प्रूव? कि हम शिव बाप के बच्चे हैं। आर वी द चिल्ड्रन ऑफ द फादर शिव? 100% आत्माभिमानी बाप के बच्चे हैं। आर वी द चिल्ड्रन ऑफ द फादर हु इज 100% सोल कॉन्शियस? यह देवान में रहने वाले धर्म पिताओं के बच्चे हैं। और आर वी द चिल्ड्रन ऑफ द बॉडी कॉन्शियस रिलीजियस फादर्स? है, क्या साबित कर देता है? वॉट डज इट प्रूव? है, धर्म पिताओं के बच्चे साबित हो जाएंगे। समवन सेड वी आर प्रूव्ड टू बी द चिल्ड्रन ऑफ द रिलीजियस फादर्स। वी विल बी प्रूव्ड टू बी द चिल्ड्रन ऑफ द रिलीजियस फादर्स। अगर तुम नापास हो जाएंगे तो? इफ वी फेल। तो बाप कहते हैं बच्चे अपने ऊपर रहम करो। सो द फादर सेज चिल्ड्रन हैव मर्सी ऑन योरसेल्फ। क्या? वॉट? अपने ऊपर रहम करो। हैव मर्सी ऑन योरसेल्फ माना? वॉट डज इट मीन? मतभेद में आए और हिंसा कर बैठे तो अपने ऊपर रहम क्या करें? इफ यू हैव अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन विद ईच अदर एंड कमिट एनी वायलेंस इन व्हाट वे शुड यू हैव मर्सी ऑन योरसेल्फ? हैं? बताया। अव्यक्त वाणी में बताई दिया। इट वॉज सेड इन द अव्यक्त वाणी कि जो अभी संगम युग में क्रोध करते हैं, दोज हू बिकम एंग्री नाउ इन द कॉन्फ्लुएंस एज, तो वो समझें, दे शुड थिंक दैट कि अब हम कौन सी शूटिंग कर रहे हैं? What shooting are they doing? है? चंडाल बनने की शूटिंग कर रहे हैं। They are doing the shooting of becoming a chandal, meaning a person who cremates corpses. क्यों? Why? है? क्यों चंडाल बनने की शूटिंग कर रहे? Why are they performing the shooting of becoming a chandal? क्योंकि दुनिया को तो समझाते हैं। बिकॉज दे डू एक्सप्लेन टू द वर्ल्ड। क्या? वॉट? कि भगवान बाप आया हुआ है। गॉड द फादर हैज कम। समझाते हैं ना? दे एक्सप्लेन दिस डोंट दे? दुनिया को समझाते हैं कि भगवान बाप आया हुआ है, विश्व की बादशाही दे रहा है। दे एक्सप्लेन टू द वर्ल्ड दैट गॉड द फादर हैज कम, ही इज गिविंग द एम्परशिप ऑफ द वर्ल्ड। जो भगवान बाप हमें अहिंसा का सबसे बड़ा पाठ सिखाता है। गॉड द फादर टीचेस अस द बिगेस्ट लेसन ऑफ नॉन वायलेंस। महात्मा बुद्ध ने भी वो पाठ नहीं सिखाया अहिंसा का, उतना गहरा पाठ जो बाप हमें सिखाते हैं। इवन महात्मा बुद्ध डिडंट टीच दैट लेसन। ही डिड नॉट टीच द लेसन ऑफ नॉन वायलेंस As deeply as the father teaches us. इतना बड़ा अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले बाप को तुम बदनाम करते हो या सरनाम करते हो? Do you defame the father who teaches such a big lesson of non-violence or do you make him famous? क्रोध में आए तो कौन कहेगा ये बाप का बच्चा है? If you become angry, who will call you the father's child? बाप रहम दिल है या क्रोध करने वाला है? द फादर हैज अ मर्सीफुल हार्ट और इज ही द वन हु बिकम्स एंग्री? है, रहम दिल है। द फादर हैज अ मर्सीफुल हार्ट। बाप तो रहम दिल है धर्मराज। द फादर सर्टनली हैज अ मर्सीफुल हार्ट बट व्हाट अबाउट धर्मराज मीनिंग द चीफ जस्टिस? धर्मराज रहमदिल नहीं है। धर्मराज डज नॉट हैव अ मर्सीफुल हार्ट। तो जिन्हें बाप के ऊपर विश्वास है, सो दोज़ हू हैव फेथ ऑन द फादर,
और बाप कहते हैं धर्मराज मेरे साथ है। एंड द फादर सेज धर्मराज इज विथ मी। मैं सजा नहीं दूंगा। आई विल नॉट गिव पनिशमेंट्स। कौन सजा देगा? हु विल गिव पनिशमेंट्स? धर्मराज सजा देगा। धर्मराज विल गिव पनिशमेंट्स। मैं तो बैठ करके देखूंगा, मेरे बच्चे जो मेरे बच्चे कहे जाते हैं वो सजाएं खा रहे हैं। आई विल जस्ट सिट एंड वॉच थिंकिंग माई चिल्ड्रन दोज हु आर कॉल्ड माई चिल्ड्रन आर सफरिंग पनिशमेंट्स। कोई सुप्रीम जज का बच्चा हो, सपोज देर इज अ चाइल्ड ऑफ द सुप्रीम जज, और सुप्रीम जज के बच्चे को चौराहे पर खड़ा करके गधे पर बैठा करके 100-200 कोड़े लगाए जाए। एंड इफ ही इज मेड टू स्टैंड ऑन द क्रॉस रोड्स, ही इज मेड टू सिट ऑन अ डोंकी एंड इज गिवन 100-200 व्हिपिंग्स, तो उसे शर्म नहीं आवेगी? वोंट ही दैट इज द सुप्रीम जज फील अशेम्ड? हैं? आवेगी या नहीं आवेगी? विल ही फील अशेम्ड और नॉट? तो बाप कहते हैं बच्चे मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं तो सहन कर लूंगा। सो द फादर सेज चिल्ड्रन डोंट वरी अबाउट मी, आई विल टॉलरेट इट। लेकिन तुम अपने ऊपर रहम करो, तुम्हारा तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। बट यू हैव मर्सी ऑन योर सेल्फ बिकॉज योर स्टेटस विल बी डिग्रेडेड। धर्मराज की सजाएं खाएंगे तो तुम्हारा पद क्या हो जाएगा? इफ यू सफर पनिशमेंट्स फ्रॉम धर्मराज व्हाट विल हैपन टू योर स्टेटस? एकदम भ्रष्ट हो जाएगा। इट विल बी कम्प्लीटली रुइंड। क्या बन जाएंगे? व्हाट विल यू बिकम? चंडाल सबसे नीचा पद होता है। द स्टेटस ऑफ अ चंडाल इज द लोएस्ट स्टेटस। हर एक को पढ़ करके अपन को राज तिलक देना है। Everyone has to study and apply the Raj Tilak to himself. Raj Tilak meaning a tilak meaning vermilion mark serving as a sign of coronation. बाप को तो पढ़ाने की ड्यूटी है। The father's duty is to teach. क्या ड्यूटी है बाप की? What is the father's duty? है पढ़ाई पढ़ाने की ड्यूटी है। His duty is to teach the knowledge. और कौन सी पढ़ाई? एंड वॉट डज ही टीच? जज बनने की, वकील बनने की, बनाने की, या मास्टर बनाने की, या बढ़ई बनाने की? डज ही टीच द नॉलेज टू बिकम अ जज, अ लॉयर और अ मास्टर मीनिंग टीचर और अ कारपेंटर? कौन सी पढ़ाई पढ़ाने की ड्यूटी है? ही हैज द ड्यूटी टू टीच विच नॉलेज? जो पढ़ाई दुनिया में कोई भी बड़े थे, बड़े ग्रेट फादर्स आए, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, ऑल द बिगेस्ट ग्रेट फादर्स लाइक इब्राहिम, बुद्धा एंड क्राइस्ट हु केम इन द वर्ल्ड, किसी ने ऐसी पढ़ाई नहीं पढ़ाई जैसी पढ़ाई मैं पढ़ाता हूँ। नो वन टॉट द नॉलेज दैट आई टीच। कौन सी पढ़ाई? विच स्टडी इज इट? मनुष्य को राजा बनाना। इट इज द स्टडी ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग अ मैन इनटू अ किंग। मनुष्य से देवता बना, देवता भी साधारण बात हो गई। ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग अ ह्यूमन बीइंग इनटू अ डेटी, इवन बिकमिंग अ डेटी इज एन ऑर्डिनरी थिंग। देवताएं तो 33 करोड़ होंगे। इन फैक्ट देयर विल बी 330 मिलियन डेटीज। लेकिन मैं क्या बनाता हूँ, क्या पढ़ाता हूँ? बट व्हाट डू आई मेक यू इनटू? What do I teach? ऐसी राजयोग की पढ़ाई पढ़ाता हूँ जो तुम जन्म जन्मांतर राजा बनेंगे। I teach the knowledge of Rajyog in such a way that you will become a king for many births. बाप को तो पढ़ाने की ड्यूटी है ना? The father's duty is to teach, isn't it? इसमें आशीर्वाद की बात नहीं है। There is no question of blessings in this. कि बाबा आप ही हमारे ऊपर रहम करो। सो दैट यू से बाबा यू योरसेल्फ हैव मर्सी ऑन अस। आप ही आशीर्वाद दे दो तो हम सुधर जाएं, हमें बार बार क्रोध आता है। यू योरसेल्फ ब्लेस अस सो दैट वी आर रिफॉर्म्ड।
वी बिकम एंग्री अगेन एंड अगेन। है आप ही तरह से परोई। यू योरसेल्फ हैव मर्सी ऑन अस। बाप कहते हैं मैं किसी पर आशीर्वाद नहीं करता हूँ। द फादर सेज आई डू नॉट ब्लेस एनी वन। ये धर्मराज जो बैठा है ना वो मेरे ऊपर पिल पड़ेगा। दिस धर्मराज हु इज सिटिंग बिसाइड विल रश एट मी। अगर तुम्हारे ऊपर आशीर्वाद कर दूं, इफ आई ब्लेस यू तो दूसरे भी कहेंगे हमारे ऊपर भी करो। अदर्स विल ऑल्सो से ब्लेस अस टू। तो क्या मैं पार्शियलिटी करूंगा? सो विल आई शो पार्शियलिटी। है एक के ऊपर आशीर्वाद करूं और दूसरे को मना कर दूं? नहीं। शुड आई ब्लेस वन सोल एंड डिनाई द अदर सेइंग नो आई वोंट ब्लेस यू। है ऐसे करूं? शुड आई डू सो। मैं द्रोणाचार्य की लिस्ट में डालना चाहते हो? डू यू वॉन्ट टू पुट मी इन द लिस्ट ऑफ द्रोणाचार्य द टीचर ऑफ द कौरवास एंड पांडवास हु रिफ्यूज टू टीच आर्चरी टू कर्ण एंड एकलव्य इन द एपिक महाभारत। विद्वान पंडित आचार्यों की लिस्ट में डालना चाहते हो? डू यू वॉन्ट टू पुट मी इन द लिस्ट ऑफ द स्कॉलर्स एरेडाइट मैन एंड टीचर्स। तो मैं सभी के ऊपर तो रहम नहीं कर सकता। सो आई सर्टनली cannot शो मर्सी ऑन एवरी वन। रहम दिल बाप गाया हुआ है। देर इज द प्रेज ऑफ द मर्सीफुल फादर। ये कृपा आदि भक्ति मार्ग में मांगते हैं। इट इज इन द पाथ ऑफ भक्ति दैट पीपल आस्क फॉर फेवर्स एंड सो ऑन। क्या वॉट? ज्ञान मार्ग में कृपा मांगने की बात ही नहीं है। There is no question of asking for favors in the path of knowledge at all. अच्छा अच्छा मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप दादा का याद प्यार। Remembrance and love of the spiritual बाप दादा to the sweet spiritual children. क्या बोल दिया? What did he say? हैं? किसका याद प्यार और किसको याद प्यार? Whose love and remembrance and to whom? है? रूहानी बच्चों के प्रति। Love and remembrance to the spiritual children. देह अभिमानी सांडों के प्रति याद प्यार मैं नहीं करता हूँ। I do not give love and remembrance to the body conscious bulls. उनसे प्यार कौन करेगा? Who will love them? है? और धर्मराज बैठा है वो प्यार करेगा, मैं उनसे प्यार नहीं करता हूँ। धर्मराज इज सिटिंग बिसाइड मी ही विल लव देम आई डू नॉट लव देम। देह अभिमानी बच्चों से मैं प्यार नहीं करता हूँ माना? आई डू नॉट लव द बॉडी कॉन्शियस चिल्ड्रन। व्हाट डज इट मीन? जो और धर्म पिताओं को फॉलो करने वाले हैं। दोज हु फॉलो अदर रिलीजियस फादर्स। और धर्म पिताओं ने हिंसा सिखाई या अहिंसा सिखाई? डिड द अदर रिलीजियस फादर्स टीच वायलेंस और डिड दे टीच नॉन वायलेंस? है हिंसा की दुनिया बनाई। समवन सेड दे टॉट वायलेंस दे क्रिएटेड अ वर्ल्ड ऑफ वायलेंस। तो उन धर्म पिताओं को फॉलो करने वाले जो बच्चे हैं मैं उनको याद प्यार नहीं देता हूँ। सो आई डू नॉट गिव रिमेम्बरेंस एंड लव टू द चिल्ड्रन हु फॉलो दोज रिलीजियस फादर्स। किसको देता हूँ? टू हुम डू आई गिव इट? रूहानी बाप के रूहानी स्टेज में टिकने वाले आत्मा आत्मा भाई भाई। आई गिव इट टू द चिल्ड्रन ऑफ द स्पिरिचुअल फादर हु स्टेबिलाइज इन द सोल कॉन्शियस स्टेज कंसिडरिंग दैट द सोल्स आर ब्रदर्स अमंग देमसेल्व्स। रूहानी बच्चों के प्रति किसका याद प्यार? हुज रिमेम्बरेंस एंड लव टू द स्पिरिचुअल चिल्ड्रन? बाप का? कैसा बाप? Someone said of the father, which father? रूहानी बाप दादा। The spiritual बाप दादा। एक नहीं। He is not single. एक आत्मा की बात है क्या? Is it about just one soul? है? दो आत्माओं की बात है। It is about two souls. बाप भी है और उसके साथ दादा भी है। There is बाप the father and dada the elder brother is also present along with him. Kaun hai baap aur kaun hai dada? Who is baap and who is dada? Hai
रूहानी बाप और रूहानी दादा, द स्पिरिचुअल बाप एंड द स्पिरिचुअल दादा, दोनों कंबाइंड एक शरीर में हैं, आर बोथ ऑफ देम कंबाइंड इन वन बॉडी, या अलग अलग शरीर वाले हैं, और डू दे हैव सेपरेट बॉडीज, एक ही शरीर में दोनों कंबाइंड बाप दादा हैं, स्टूडेंट्स दे आर इन द सेम बॉडी, बोथ बाप एंड दादा आर कंबाइंड इन जस्ट वन बॉडी, उनका याद प्यार और उनका गुड मॉर्निंग, देयर रिमेम्बरेंस एंड लव एंड देयर गुड मॉर्निंग टू द स्पिरिचुअल चिल्ड्रन, माना व्हाट डज इट मीन, बाप और दादा अंतिम पुरुषार्थी स्टेज में दोनों रूहानी स्टेज में टिकेंगे या नहीं टिकेंगे, विल बोथ बाप एंड दादा स्टेबिलाइज इन द स्पिरिचुअल स्टेज इन देयर फाइनल पुरुषार्थी स्टेज मीनिंग द स्टेज ऑफ मेकिंग स्पिरिचुअल एफर्ट और नॉट, है दोनों रूहानी स्टेज में टिकेंगे, बोथ विल बिकम स्टेबल इन द स्पिरिचुअल स्टेज, हाँ इतना अंतर है, एक का अपना साकार शरीर होगा और एक का अपना साकार शरीर नहीं होगा, बट येस देर इज दिस डिफरेंस दैट वन विल हैव अ फिजिकल बॉडी ऑफ हिज ओन व्हाइल द अदर विल नॉट हैव अ फिजिकल बॉडी ऑफ हिज ओन, इसलिए आगे बोलते हैं, दिस इज व्हाई ही सेज फर्दर, रूहानी बाप का रूहानी बच्चों के प्रति नमस्ते, द स्पिरिचुअल फादर्स नमस्ते मीनिंग ग्रीटिंग्स टू द स्पिरिचुअल चिल्ड्रन, क्या वॉट नमन किसको करते हैं, टू हुम डज ही बाउ द हेड, और कौन नमन करते हैं, एंड हु बाउस द हेड, दादा नमन करते हैं, डज दादा बाउ हिज हेड, बाप दादा दोनों मिलकर के नमन करते हैं, झुकते हैं, डू बोथ बाप एंड दादा टूगेदर बाउ द हेड, दे बेंड डाउन, नमस्ते करना माने झुकना, नमन करना, टू से नमस्ते मीन्स टू बेंड टू बाउ द हेड, तो कौन नमन करते हैं, सो हु बाउज हिज हेड, बाप दादा नमन करते हैं या दादा नमन करते हैं, डू बाप दादा बाउ द हेड, डज दादा बाउ द हेड, या शिव बाप नमन करते हैं या सिर्फ बाप नमन करते हैं, डज द फादर शिव बाउ द हेड और डज जस्ट द फादर बाउ द हेड, है रूहानी बाप वो नमन करते हैं, इट इज द स्पिरिचुअल फादर दैट इज शिव बाबा हु बाउज हिज हेड, जो शिव बाप है उसके झुकने और न झुकने की तो बात ही नहीं, देर इज नो क्वेश्चन ऑफ द फादर शिव अलोन टू बाव और नॉट, वो तो बिंदी है, इन फैक्ट ही इज अ पॉइंट, देह होते हुए भी फिर नम्र बन करके रहे वो बड़ी बात है, इज इट अ ग्रेट थिंग टू बी हम्बल डिस्पाइट हैविंग अ बॉडी, या देह ही नहीं है देह भान ही नहीं है फिर नमन करना बड़ी बात है, और इज इट अ ग्रेट थिंग टू बाव व्हेन समवन डजंट हैव अ बॉडी एट ऑल, व्हेन समवन डजंट हैव बॉडी कॉन्शियसनेस एट ऑल, क्या बड़ी बात है, व्हाट इज अ ग्रेट थिंग, हैं हाँ जी, समवन सेड समथिंग, यस, किसी के पास पैसा है, बड़ा धनाढ्य है, बड़ा साहूकार है, फिर झुक कर के चलता है तो बड़ी बात है, सपोज समवन हैज वेल्थ, ही इज अ वेरी वेल्दी पर्सन, ही इज अ वेरी रिच मैन एंड स्टिल रिमेन्स हम्बल, देन इट इज अ ग्रेट थिंग, और जिसके पास पैसा ही नहीं है, सड़क पर बैठा हुआ गरीब है, जो निकलता है उससे पैसा मांगता है, बट इफ द वन हु डजंट हैव वेल्थ एट ऑल, अ पुअर मैन हु सिट्स ऑन द रोड एंड बेग्स मनी फ्रॉम एवरी पासर बाय, और वो सबके सामने झुके बाउस बिफोर एवरीवन, तो बड़ी बात है, वो कोई बड़ी बात नहीं, इज इट अ ग्रेट थिंग, इट इज नॉट अ ग्रेट थिंग, ओम शांति, ओम शांति।